तो फाइनली गुड न्यूज़ आ चुकी है। तो जो BTS के मेंबर है अब फिलहाल वो मिलिट्री में नहीं जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि साउथ कोरिया के रूल के हिसाब से सभी लोगों को जो मेन है उन्हें मिलिट्री सर्विस में कंपलसरी जाना पड़ता है। तो आज है जीन का बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे जी, हमारा वर्ल्ड वाइल्ड हैंडसम मैन का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे जीन। तो जीन को मुझे लगता है बहुत बड़ा बर्थडे गिफ्ट मिल चुका है। तो जीन अभी फिलहाल सबसे बड़े मेंबर थे BTS के, जो आज 28 इयर्स के हो गए हैं, आप सभी को पता ही है। तो जीन फिलहाल अब मिलिट्री में जाने वाले थे, बट उनको बर्थडे के दिन ही उन्हें सरप्राइज मिल गया बर्थडे से पहले ही। तो अब फिलहाल वो 30 साल की उम्र में ही जाएंगे मिलिट्री। तो ये कैसे हुआ, तो आप सभी को जानते हैं कि BTS कितने पॉपुलर हो रहे हैं दिन ब दिन, और BTS के वजह से साउथ कोरिया की कंपनी को बहुत फायदा होता है, बहुत ही, क्योंकि कॉन्सर्ट, वो उनके जितने एल्बम्स बिकते हैं, टेक मेल के सारा कुछ, सब कुछ मिला के BTS की वजह से उनकी कंट्री को बहुत ही फायदा होता है, बहुत। मतलब BTS के वजह से उन्होंने 72 साल पुराना कानून पड़ा है, मतलब चेंज किया है, तोड़ा नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा नहीं कि मिलिट्री में उन्हें नहीं जाना है, बट कुछ उनको छूट दी गई है। तो ये जो छूट है वो सभी को नहीं दी जाने वाली है, ऐसा आपको सोच रहे होगे कि सबको छूट मिली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनकी वजह से उनकी कंट्री को फायदा होगा वो उन्हें पे ही छूट दी जाएगी, उन्हीं लोगों को वो छूट देंगे। तो फिलहाल तो BTS को छूट दी गई है, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि BTS ने आप जानते हैं क्या कर दिया है, मतलब यार क्या कमाल कर दिया है इस साल। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि इस साल बहुत ही धमाकेदार रहा BTS का, BTS के लिए बहुत ही खास समय रहा ये 2020। उन्होंने बहुत सारे कमाल कर दिखाए, और आज देखने जाए तो BTS की आर्मी बहुत ज़्यादा ही बड़ी हो गई यार, बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो फिलहाल जीन नहीं जा रहे, उसके बाद सुगा को जाना पड़ता, बट फिलहाल सुगा रेस ले रहे। तो फिलहाल एक बहुत बड़ी बात भी है यार, मतलब इस साल अभी ये रूल्स आ गए, उसके बाद हमें 2 साल तक बहुत अच्छी अच्छी एल्बम्स देखने मिलेगी। और गुड न्यूज़, सबसे बड़ी न्यूज़ कि BTS इंडिया आएगी, COVID-19 चला जाए सिर्फ, BTS इंडिया आने वाली है, तो हम जीन को भी देख पाएंगे। अगर ये रूल्स चेंज नहीं होता तो हम जीन को नहीं देख पाते कॉन्सर्ट में, बट अब फिलहाल अब हम जीन को देख पा रहे हैं। और आई होप कि जल्दी ये सुगा भी रेस करके एकदम हेल्दी हो जाए, जिसकी वजह से हम उन्हें इंडिया में देख पाए। हम मुझे तो 7-7 मेंबर को इंडिया में देखना है, एक को नहीं, एक भी अगर नहीं रहेगा तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा यार, मुझे 7-7 मेंबर्स को देखना है इंडिया में। बहुत ही जल्द कॉन्सर्ट होगा, कब होगा मुझे मत पूछना यार, डेट वेट कुछ अनाउंसमेंट हो नहीं रही है, और फिलहाल तो COVID-19 चल रहा है तो कुछ होने भी नहीं वाला है। बाकी रही बात टिकट्स की, तो मुझे ये न्यूज़ मिली है कि टिकट रिड्यूस कर दी जाएगी आर्मीज के लिए, और कुछ लोग चिंता में भी है क्योंकि बहुत सारे किड्स भी है ना, मतलब वो कैसे जा पाएंगे कॉन्सर्ट के लिए। ओके, उस पर एक न्यू वीडियो बना दूंगा। चलो फिलहाल बात करते हैं कि मिलिट्री जो है अब BTS नहीं जाएगी, 30 साल की उम्र में जाएगी, कुछ छूट तो मिली, कोई बात नहीं, इतनी तो इतनी मिली ना, बहुत हो गया, मतलब ये बहुत ही बड़ी और गुड न्यूज़ है। ऐसा नहीं है कि जीन जाना नहीं चाहते मिलिट्री में, वो जाना चाहते हैं, उनके देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, बट फिलहाल कुछ टाइम तो मिला है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, तो बहुत ही बड़ी और गुड न्यूज़ थी ये, तो बहुत ही अच्छी बात है कि कुछ छूट मिल चुकी है। और बाकी मैं क्या बोलूँ, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ये तो रोज का ही है ना, कर दो यार, कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड टाटा।